प्रत्याशी कार्य क्षेत्र में जिनके शुरुआती दौर में कुछ हद तक प्रतिकूलता रह सकती है उत्तेजित होकर किसी भी प्रकार का फैसला ना करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है और आपकी प्रतिभा को भी हानि हो सकती है। जिनके मध्यभाग के बाद परिस्थितियां बदलने लगेगी। नौकरी व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में सकारात्मक वातावरण रहेगा। आपके द्वारा लिए गए जोखिमपूर्ण फैसले सही साबित होंगे। आपके जिस फैसले पर विरोध हो रहा था या आपके जिस फैसलों को लेकर विवाद हुआ था वह फैसले सही साबित होंगे। ऊपर अधिकारी के द्वारा आपकी प्रशंसा हो सकती है। प्रमोशन से जुड़ी हुई गतिविधियां भी तेज होगी। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में भी नई योजनाएं बनेगी। पूर्व काल में शुरू की गई योजनाओं का अच्छा परिणाम मिलेगा। शेयर मार्केट में निवेश के लिए भी दिन अनुकूल और सकारात्मक है। आज निवेश करने से आपको आर्थिक लाभ होगा। निवेश या बचत से जुड़ी हुई कोई नई योजना भी आज शुरू हो सकती है। पारिवारिक जीवन संतोषकारक रहेगा। माता पिता और भाई बहन सहायता इससे बेहतर बनेंगे। पुरानी समस्या समाप्त होगी। पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई कोई बहुत पुरानी समस्या सुलझाने में आज आपको सफलता मिल सकती है। आपका आरोग्य भी दिन भर अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज आप भाग्यशाली साबित होंगे। किसी भी प्रकार की समस्या हो ऐसी संभावना बहुत कम है। विद्यार्थी वर्गों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा। महिलाओं के लिए दिन लाभदायक साबित होगा। महिलाओं को आज आकस्मिक धन लाभ होने के बहुत अच्छे ग्रह योग बने हुए हैं। नौकरी व्यापार व्यवसाय में सक्रिय महिलाओं को धन लाभ होगा, प्रमोशन होगा, प्रगति होगी। सहकर्मचारियों से रिश्ते बेहतर बनेंगे। बुजुर्गों के लिए भी दिन सभी तरह से अनुकूल रहेगा। बहुत दिनों से बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य आज सुधर सकता है। बहुत दिनों से चली आ रही आर्थिक समस्या भी आज समाप्त होगी। पूर्व काल में किए गए निवेश से बुजुर्गों को आज लाभ मिलेगा और बहुत दिनों से चला आ रहा संपत्ति से जुड़ा हुआ विवाद भी आज समाप्त हो सकता है। नजदीकी रिश्तेदारों से मिलने का अवसर मिलेगा। किसी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम में बुजुर्गों के द्वारा हिस्सा लिया जा सकता है। कुल मिलाकर मीन राशि वाले लोगों के लिए